हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आईटीआई फिटर फाइटर चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ड्रिल के पॉइंट एंगल हैं आप कैसे याद करें अलग अलग मटेरियल में ड्रिलिंग करने के लिए। जैसा कि आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि अगर हमें माइल्ड स्टील में या कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करना है तो ड्रिल का पॉइंट एंगल क्या होगा, तो ये सबको याद रहता है माइल्ड स्टील के लिए। लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम, बैकलाइट, कठोर स्टील जैसे स्टेनलेस स्टील, तो इनके इनमें ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल के पॉइंट एंगल अलग अलग होते हैं। तो इनके लिए आज हम ट्रिक बताएंगे कैसे आप इनको याद रखना है। आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इसका 90 होता है कि इसका 80 होता है। जैसे कि हम एल्यूमिनियम का अगर पूछते हैं तो आप 90-80 तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए बिंदास एक ट्रिक बता रहे हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। और इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं कैसे आप ट्रिक को आपको फॉलो करना है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आप देखते रहिए वीडियो को। तो माइल्ड स्टील के ड्रिल का पॉइंट एंगल 118, अगर हमें माइल्ड स्टील में ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिल का पॉइंट एंगल 118 ये तो सबको याद रहता है। तो इसको भी याद, ये भी आपको याद होगा, कास्ट आयरन ग्रेव मेलेबल, इसका भी ड्रिल का पॉइंट एंगल 118 होता है। अब बात करते हैं कॉपर का। कॉपर में अगर हमें ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिल का पॉइंट एंगल 100 डिग्री होता है। कितना होता है? 100 डिग्री। अब कैसे याद रखना है कि जैसे आपने किसी से पूछा कि कॉपर में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल क्या होगा, तो वो कंफ्यूज हो गया कि 90 होगा कि 80 होगा कि 100 होगा। तो हम ट्रिक बताते हैं क्या है कि कॉपर में देखिए पी आ रहा है, क्या आ रहा है, पी डबल पी आ रहे हैं, दो बार आ रहे हैं। तो कैसे याद करना है, आपने यहाँ पर लिख लिया कॉपर, लिख लिया। अब पीक मतलब यहाँ पे आपको याद रखना है 50। पीक मतलब याद एक पी का मतलब होता है 50 याद रखना है, और दूसरे पी का मतलब होता है 50। तो 50 50 100। तो कोई भी कॉपर का पूछेगा तो ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना बता देंगे फ्रेंड्स, 100 डिग्री। कॉपर में डबल पी आते हैं, एक पी का मतलब 50, दूसरे पी का मतलब 50, 50 50 हमारा 100 हो गया। तो ड्रिल का पॉइंट कॉपर में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल 100 डिग्री हो गया, अब याद हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम के लिए। जैसे आपने किसी से पूछा कि एल्यूमिनियम के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है, एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम या अन्य नर्म धातुएं, लेड टिन आदि। तो लेड टिन क्या है, नर्म धातुएं, एल्यूमिनियम भी क्या है, नर्म धातु है ना। अगर आपसे पूछे कि लेड टिन का लेड टिन में अगर हमें ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होगा, तो कैसे हम याद रखेंगे। तो लेड टिन एल्यूमिनियम नर्म धातु है ना, तो याद आपको केवल इतना पॉइंट में याद करना है कि नर्म धातु, नर्म मीन्स 90, नर्म मीन्स 90 याद रखना है, बस आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एल्यूमिनियम में ड्रिल करने के लिए ड्रिलिंग का पॉइंट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेड या शीशे में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल क्या होगा, 90 होगा। टिन में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल 90 होगा। तो बस ये क्या है, नर्म धातु है ना, तो हमें नर्म से याद रखना है 90, नर्म से क्या याद रखना है, 90 याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नर्म से 90। अब आगे याद कठोर लकड़ी, इसको भी आप साथ में याद रखिएगा कि कठोर लकड़ी का ड्रिल का पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बैकलाइट, प्लास्टिक सख्त रबड़। अगर 90 डिग्री हो गया एल्यूमिनियम, नर्म धातुओं का पॉइंट एंगल हो गया 90 डिग्री, और कॉपर का हो गया 100 डिग्री, तो 80 किसका होगा, बैकलाइट प्लास्टिक एंड सख्त रबड़। तो बैकलाइट में ड्रिलिंग करने के लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल 80 डिग्री, प्लास्टिक या सख्त रबड़ में ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होगा, 80 डिग्री। तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं, 90 केवल नर्म धातुओं का होता है, 90 केवल नर्म धातुओं का, बस आपको याद हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कठोर स्टील, जैसे स्टेनलेस स्टील, फोर्ज स्टील, हाई कार्बन स्टील, इनके लिए ड्रिल का पॉइंट एंगल क्या होता है। अगर हमें फोर्ज स्टील में ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिल का पॉइंट एंगल क्या होता है, इसको कैसे याद रखेंगे। तो फोर्ज से हमारा फोर हुआ। कन्फ्यूजन कहाँ रहती कि 140 है कि 130, क्या होगा, 140 होगा कि 130 होगा, इसमें हम कन्फ्यूजन को दूर करना चाह रहे हैं। तो फोर्ज मतलब फोर हो गया, फोर किस में आएगा, 140 में आएगा। तो फोर्ज स्टील का ड्रिल का पॉइंट एंगल क्या होगा, 140। कैसे याद रखेंगे फिर से एक बार बताते हैं, फोर्ज स्टील मतलब फोर किस में आता है, 140 में, तो 140 फोर्ज स्टील का ड्रिल का पॉइंट एंगल 140 डिग्री। फोर्ज स्टील, हाई कार्बन स्टील, ये क्या हार्ड स्टील है, तो हार्ड स्टील का ड्रिल का पॉइंट एंगल 140 डिग्री। अब बात करते हैं कास्ट स्टील का ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होगा, तो कास्ट स्टील के लिए 130 डिग्री। अगर आपने फोर्ज स्टील का याद रख लिया,
फोर्ज स्टील का याद कर लिया 140 डिग्री, तो हम ऑटोमेटिक याद कर सकते हैं कि 130 किसका होगा, हमारा बच्चा किसका, हमारा बच्चा किसका, काश स्टील का बच्चा, तो काश स्टील ही तो बचे, तो जो बचे वही हो गया। जैसे कि हम बैकलाइट एंड प्लास्टिक हमने बताया, तो इसका ड्रिल का पॉइंट एंगल 80 डिग्री, फोर्ज स्टील के लिए 140 डिग्री, कास्ट स्टील के लिए 130 डिग्री। तो एक बार फिर से बता दें फ्रेंड्स, कास्ट आयरन तो ये आपको याद ही रहते हैं, माइल स्टील 118, कापर के लिए P से 50 तो 100 हो गया, एल्यूमिनियम के लिए नरम धातु है नरम से 90 डिग्री हो गया, कठोर लकड़ी के लिए आप याद ही रहेगा आपको, बैकलाइट एंड प्लास्टिक सख्त रबड़ के लिए 80 डिग्री, अगर 90 उसका नरम धातुओं का हो गया अब तो 80 डिग्री प्लास्टिक का होगा, स्टेनलेस स्टील के लिए 140 डिग्री, फोर्ज स्टील के लिए फोर से चार हो गया, आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आप कभी नहीं भूलेंगे ड्रिल कि इसमें ड्रिलिंग करना तो ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होगा, कास्ट स्टील का होगा कितना होगा 130 होगा, 140 का किसका होता है, फोर्ज स्टील का होता है, याद रहेगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर आपको थोड़ा से भी कुछ फ़ायदा हुआ हो हमारे इस ट्रिक से तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और भी दोस्तों को बताइएगा कि ऐसे आप याद करिए, कभी आप ड्रिल के पॉइंट एंगल आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप किस वीडियो में और किस टॉपिक पे आप ट्रिक चाहते हैं तो आप कमेंट करिए कि हमें लिप क्लियरेंस एंगल या चीजल के झुकाव एंगल के बारे में हमें ट्रिक बताइए, तो चीजल का जो झुकाव एंगल है उसके बारे में बहुत ही अच्छी ट्रिक बनाई हुई है, अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, तो हम आपको अगला वीडियो चीजल का झुकाव एंगल याद करने की ट्रिक आपको बताएंगे कैसे उसको याद करना है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें। बाय बाय।